गाइस, तुम लोग सोचते होगे लाखों सब्सक्राइबर और लाखों फॉलोवर्स की वजह से हम लोगों को कितनी चीजें फ्री में मिलती होंगी। तो फिर आज देख ही लेते हैं मिलियन सब्सक्राइबर्स पे और 69,000 फॉलोवर्स पे क्या क्या फ्री में मिलता है। चलो आओ चल के चेक करते हैं। माशाल्लाह तो बारिश हो गई है। आ जाओ, अगले 24 घंटे मैं अपनी सोशल मीडिया पावर यूज करने वाला हूँ। देखते हैं मुझे क्या क्या फ्री में मिलता है। बिना कुछ पैसे लिए सिर्फ अपनी जेब में मोबाइल रखकर मैं आ गया मुफ्त का नाश्ता करने के लिए। फाइनली गाइस, सुबह सुबह तुम्हारा भाई आ चुका है पठान के होटल पर। अब देखते हैं ये पठान भाई कुछ खिला दे इस गरीब को। मैं गरीब हूँ, बहुत भूख लग रही है। सुबह सुबह जब उठता हूँ ना, मुझे नाश्ता करने का बहुत दिल करता है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम पठान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजे में, सब कह रहे हैं। अगर आप मुझे एक चाय, एक पराठा, एक अंडा दे देते हैं तो मैं आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा जिसके 69,000 फॉलोवर्स हैं। मतलब आप मशहूर हो जाएंगे, आपका होटल मशहूर हो जाएगा। क्या आप मुझे खिला देंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, जा सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा कर देना भाई। नहीं नहीं, जाओ निकल। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा भाई। स्टोरी नहीं, जाओ छोड़ दो, जाओ। मेरे मशहूर होने का फायदा क्या, कोई जानता ही नहीं है। तुम लोग 2 मिलियन करा दो तो सब लोग जाने पहचाने, बेइज्जती हो गई सुबह सुबह। मोबाइल फेंक रहा हूँ मैं। बड़े मजे लगे, ऐसे ही फेंक दूं मोबाइल। जल्दी से 2 मिलियन कराओ मेरे। और यहाँ पे मैंने हार नहीं मानी, मैं निकला दूसरे पठान के होटल के लिए। क्या पता इस गरीब को यही लोग नाश्ता दे दें। सलाम वालेकुम पठान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कि अगर आप, और यहाँ पे मैंने इनको इतना कुछ समझाया मगर इन्होंने फिर ये कहा, और ये सुनने के बाद मैं आखिरी ट्राई करने आ गया एक सुपर मार्केट पर। यार वहां से तो बात नहीं बनी। अब हम आए बिन हाशिम सुपर मार्केट पे। इतना बड़ा सुपर मार्केट है, कहीं लात मार के बाहर ना निकाल दे मुझे। चलो अंदर चल के देखते हैं, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए इस गरीब को। आ जाओ आंटी। ये आंटी किसको बोल रहा है? यार छोटे छोटे बच्चे तो फैंस निकले यहाँ पे आते ही। अब देखते हैं अंदर कोई मिल जाए ऐसा बड़ा फैन। और यहाँ पे मैं अंदर जा रहा था तो कुछ ये हुआ। अबे गार्ड मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैं चोर हूँ। और अंदर घुसते ही मेरा सिर्फ एक काम था, मैनेजर को ढूंढना। यार मैनेजर नजर आ गए सामने मेरे खड़े में। देखते हैं ये इजाजत देते हैं नहीं देते हैं। अगर आप लोग मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैं आपको भी एक फायदा दूंगा और आप मुझे एक फायदा दें। सही है, आपका माशाल्लाह इतना बड़ा सुपर मार्केट है, आपने आज तक इसकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करवाई। अगर आप मुझसे और यार काफी समझाने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं हेड ऑफिस कॉल करके कंफर्मेशन ले लेता हूँ। तकरीबन आधा घंटा कॉल के बाद उन्होंने फिर ये जवाब दिया, अप्रूव हो गया, पक्की बात है, बना लें। फाइनली इजाजत मिल गई है फाद भाई को। अब फाद भाई आएंगे अपने असली रूप में। यार ये हाथ कम पड़ रहा है, काम करता हूँ ट्रॉली लेकर आता हूँ। यार भाईजान, भाईजान इधर आना यार। अरे भैया चलो फाइनली ट्रॉली की जुगाड़ हो गई। ये अटरम पटरम फजूल कचरा तो ले लिया हमने, मतलब खाने पीने की अच्छी चीजें नहीं है, कुछ हेल्दी चीजें भी ले लेते हैं। चलो लेट्स गो गाइस। अबे ये तो कच्चे केले हैं, चलो ले लेते हैं बाद में पक जाएंगे। एप्पल्स अवे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो सेब हमने ले लिया, सुबह सुबह फुल बम्बू नाश्ता होगा आज हमारा। और क्या लूँ और क्या लूँ। मैनेजर इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? वो समझ रहे हैं स्टोरी नहीं लगाएंगे, लगा देंगे यार। जी बिन हाशिम पे हाथ भरा, फिर ये टोकरी भर गई, जगह ही खत्म हो गई, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, सामान के लिए जगह बनी जाती है। और यार इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भरा तो फिर मैं आ गया मीठा खाने के लिए। आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे मेरे भूखा नंगा होने के बाद इन्होंने फाइनली पेस्ट्री दे ही दी। और जब मैंने इस पेस्ट्री की पहली बाइट ली और फिर मैंने पेस्ट्री फोड़ने के बाद सुपरमार्केट की स्टोरी बनाई, और जो जो मैंने चीजें ली इन सब का मैं आ गया बिल कर। इसका बिल कर दो, इन सारी चीजों का मस्त होके खाऊंगा मैं। जब आपने ये सारी बिलिंग करवा रहे हैं तो क्या आपने इसकी स्टोरी लगाई? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी मैं लगा देता हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, ये मैंने इंस्टाग्राम खोला, 3 स्टोरी लगाई है, खड़े होके, लेट के, बैठ के, सब जगह स्टोरी लगाई है। ये आपकी स्टोरी अपलोडेड। आपने स्टोरी तो लगा दी, क्या आपने हमारी प्रमोशन के बारे में लोगों को बताया या नहीं बताया? अरे वो भी बताया ना, ये देखे ना मैंने लगाया सब कुछ। नहीं आपने प्रमोशन के बारे में नहीं बताया ना, जो हमारी 7,500 रुपए की खरीदारी पर बम्पर प्राइस चल रहा है 10 लाख रुपए कैश। हाँ और 3 इनामात है गोल्ड के,
जो एक एक तोला के जो 3 लकी विनर्स को मिलेंगे। अच्छा। इसके अलावा आईफोन 15 भी दे रहे हैं भाई, सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आईफोन 15 मिलेगा। जियो बिन आशिम जी है। और भी है, 20 लकी विनर्स को फ्री ट्रॉली दे रहे हैं इस पूरे साल के लिए। मतलब पूरे साल का खाना उनको दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, सुन लिया ना तुम लोगों ने, जियो बिन आशिम आ जाओ और ले लो। अब तो मैं यहीं शुरू हो रहा हूँ, सारी चीजें हमने ले लिया, फाइनली स्टोरी भी डाल दी, प्रमोशन भी हो गई है। तुम लोग भी आओ बिन आशिम पे और बोलो जियो बिन आशिम जियो। अब चलते हैं दूसरी पंचायत में। यस यार, ये ऑफिस वालों की भी क्या जिंदगी है, रोज सुबह सुबह सोकर उठते हैं, वही 9 बजे टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, खुआरी करके बस में जाते हैं। ये सब्जी वाले कितनी मेहनत करते हैं, धूप में बेचारे अपना पसीना बहाते हैं, क्या इनको नहीं पता जमाना कितना आगे चला गया है। देखो मुझे, ये गाड़ी मैंने पॉकेट ब्रोकर से ट्रेड करके खरीदी है, ये लोग भी अगर ट्रेडिंग को मौका देते तो आज इन लोगों के पास भी मेरी तरह गाड़ी होती। भाई। हाँ क्या हुआ, मुझे भी सिखा दो यार ये पोतित ब्लोतर से ट्रेडिंग करना। अच्छा आ रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, मुझे भी पता हो ना ये पोतित वोतित ब्रोकर से ट्रेडिंग करना। सुन लो, सबसे पहले अपना खाता बनाए मुफ्त में पॉकेट ब्रोकर पर, फिर अपना जीमेल एड्रेस या फेसबुक या गूगल अकाउंट से इस्तेमाल करके किसी भी मौजूदा पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके अपने खाते में फंड जमा करें। पॉकेट ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, आप 9 तैयार स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जी वाले भाई, उनकी कोई विड्रॉ फी नहीं है। अरे वाह सही वाह। अभी और सुनो, और भी है, आप लोग कमाई को बगैर किसी कमीशन के निकलवा भी सकते हैं। पापा साहब मुझे भी अपने साथ ले जाओ, ये काम कर करके मैं बेथक गया हूँ। अच्छा ठीक है, ये काम छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और ट्रेडिंग सिखाता हूँ। मेरी बात सुनो, जो लोग एक्टिव रहते हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स भी होते हैं, जो आपके लिए ट्रेडिंग के बोनस के रूप में जेम्स को अनलॉक करता है, जिससे आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। सही बात। अभी और सुनो, और भी बहुत कुछ है, आप अपने अकाउंट का लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट भी कमा सकते हैं, और अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप 24/7 चैट सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे पैसिव इनकम भी मुमकिन है। सही है, तो बड़ी मजे की चीज है। अभी सुकून से बैठो, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। लिंक पर क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और QR कोड स्कैन करें और मेरा प्रोमो कोड सैयद यूज करें, जिस पे आपको 60% तक का बोनस मिल सकता है आपके पहले डिपॉजिट पर। तो फिर कमाना स्टार्ट करो। तो रास्ते में मुझे आइसक्रीम वाला नजर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना और अपनी सोशल मीडिया पावर को यूज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है, क्या हाल है, ठीक ठाक है। अगर आप मुझे एक आइसक्रीम मुफ्ते में देंगे तो मैं आपकी इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करूंगा बड़ी बम्बू किस्म की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इतनी खूबसूरत सा स्टॉल मशहूर हो जाए, क्या बोलते हैं आप, तैयार हैं? ठीक है, खिला देंगे, स्टोरी बना लेगा। स्टोरी बना लूंगा, मतलब आपने मेरा इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है ना मुझे? हाँ, देखा। अरे आप आइसक्रीम वाले हो, आपको इंस्टाग्राम के बारे में मालूम है? उड़े भाई, फॉलो करो ना मुझे भाई। बस सही है ना, आपको मैं फॉलो भी करूंगा, आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालूंगा, मगर शर्त ये कि आपको एक आइसक्रीम देनी है प्यारे भाई। ओके बस ठीक है, निकाले। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से आइसक्रीम निकाली। ले यार तू भी याद रखेगा, एडिटर को भी दे देते हैं। मैं तो तेरे को हराम समझता था, तू तो राम निकला रे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और यार आइसक्रीम वाले भाई को हमने एक आइसक्रीम खिलाई, क्या आपकी, ये आप खाओ, जियो बोलो, जियो जियो, और कुछ तोहफा भी दे दिया, और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गए। खुश हैं आप, बोले जियो जियो। अब चलते हैं दूसरी पंचायत के लिए, जियो। मुफ्त तो चलते रहेंगे, मुफ्त तो सारी जिंदगी तुम्हारा भाई मारता रहेगा अपनी सोशल मीडिया पावर को यूज करके। सोशल मीडिया पावर इतनी ज्यादा बनाऊंगा कि सुपरमैन से भी ज्यादा खतरनाक, मगर उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी तो जरूरी ना। अभी तुम्हारा भाई है शैडो फिटनेस जिम, जो कि कराची का सबसे लग्जरी जिम के अंदर आता है। यार आज तक तुम्हारा भाई जिम नहीं गया, क्यों नहीं गया, तुम लोगों को तो पता ही है फाद भाई है एमएमए प्लेयर खतरनाक वाला। अब फाद भाई फाइनली जिम के अंदर एडमिशन लेगा, और कैसे लेगा, अपनी सोशल मीडिया पावर को यूज करके। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं जिम के अंदर, अभी तो जिम में एंट्री भी नहीं हुई, फैंस पहले ही मिल गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है। आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ मैं शैडो फिटनेस जिम के लिए, अगर आप लोग राजी होते हैं तो आपका इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मतलब कुछ बातें कहूँगा, आप गौर से सुनेगा, सेट हो गया। ये जो आपका शैडो फिटनेस जिम है ना, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सारे मम्मी डैडी बर्गर बच्चे आते हैं मुझे पता है। तो कहने का मकसद ये, अगर आप लोग मुझे भी अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं शैडो फिटनेस में एंट्री की, तो मैं आपको ये ऑफर करता हूँ कि मैं जब जब आया करूँगा, जब जब अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी स्टोरीज, और जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके 1.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ,
तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर आप राजी हैं इस डील के लिए? देखिए ये ब्राउचर है, इसमें सारी फीस की डिटेल्स मेंशन है, आपको जो पैकेज समझ आता है आप हमें कहें। अरे ये फीस वीस का चक्कर थोड़ी करना है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं लाइफ टाइम के लिए, आप मुझे जिम फ्री करें, मैं आपको अपना सोशल मीडिया फ्री करता हूँ लाइफ टाइम। आपकी स्टोरी जब जब आया करूँगा जिम में, तब तब मैं आपकी स्टोरी डाले करूँगा। जिंदगी में मैंने आज तक जिम नहीं किया, ये डोले शोले एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट की वजह से मैं जिम जाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। मगर मैंने जब जिम की हालत देखी तो खूबसूरत इतना है कि दिल कर रहा है बस चले जाऊँ जिम भी। देखिए मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ, मैनेजर जो भी कहते हैं मैं देन आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। चलें ठीक है ऐसा कर लें। और यार मैंने इनको सारी बातें समझा दी थी, फिर इन्होंने मैनेजर से बात करी और फिर मैनेजर ने कुछ ये रिप्लाई दिया। कुछ बात बनी क्या? जी मेरी मैनेजर से बात हुई, मैनेजर ने अप्रूव किया, आप कल से जिम आ सकते हो। कल से नहीं, मुझे तो आज से करनी है जिम आपका, ये बिल्कुल आप आज से कर सकते हैं। अब फाद भाई आता है अपने असली रूप में, लेट्स गो गाइस। मतलब चेक करो सोशल मीडिया पावर कितनी होती है। आ जाओ, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है यहाँ पे, फिर अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। अरे भाई माशाल्लाह जिम चेक करो यार कितना जबरदस्त है। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने मुफ्ते के जिम को कार्डियो सेशन से। शैडो फिटनेस जैसा जिम तो मेरे ख्वाब में आता था, जियो शैडो फिटनेस। फिर कार्डियो सेशन खत्म करने के बाद मैं निकला इनके दूसरे सेशन के लिए जो कि है वेट लिफ्टिंग एरिया। पचास किलो के डंबल उठाने के बाद मैंने साइड से उठाए 50 किलो के दोबारा से डंबल। फिर उसके बाद मैंने मारे पुलअप्स। फिर मैंने किया बटरफ्लाई एक्सरसाइज जिसको कहते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज। पहली बार कर रहा था यार, मुझे तो आ भी नहीं रही थी। और फिर ट्रेनर भाई ने मुझे चैलेंज किया कि मुझसे पंजा लड़ाओ और फिर मैंने इनके साथ ये किया। 2 3 गो। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। जियो फहद भाई। जियो फहद भाई, तुम लोग भी बोलो जियो फहद भाई। फहद भाई ने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया है, मतलब अब शायद फहद भाई जिम को बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब फहद भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया है ना। मगर मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं जिम में भी आके वही अपनी पुरानी वाली एक्सरसाइजेस करूंगा, सपाटे मारूंगा, पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करूंगा, क्योंकि यार मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। वजन तो गधे उठाते हैं यार, ये ट्रेनर तो बहुत खतरनाक है, ह्यूमन फ्लैग भी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं चला गया इनके तीसरे सेक्शन में जो के है क्रॉसफिट। और यार इतनी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे तो मेरा प्रोग्राम ही बढ़ गया था। अब इसके लास्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉसफिट, लेट्स गो गाइस। लाइफ टाइम के लिए फ्री है, फायदा तो उठाएंगे ना। यह है मेरी फेवरेट जगह क्रॉसफिट, और क्रॉसफिट आपके भाई का लव है क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग होती है ना वो क्रॉसफिट से रिलेटेड होती है। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है मामला, मगर होता सब कुछ वही है। चलो करते हैं और मजा आएगा यार आज तो, अपनी सोशल मीडिया पावर का इस्तेमाल तो करें जरा। मौत का खेल होने जा रहा है दोस्तों, बहुत हो गया। तुम्हारा भाई उठाएगा 200 किलो डेडलिफ्ट, मौत का खेल, मौत का खेल होने जा रहा है दोस्तों, चेक कर रहे हो 200 किलो बच्चों का काम। और यार यहाँ पे मैंने इतनी एक्सरसाइज करी और फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तुम लोग फहद भाई के पसीनों से अंदाजा लगा सकते हो कि फहद भाई ने कितना ज्यादा वर्कआउट किया है। शैडो फिटनेस में वर्कआउट करके यार मजा ही आ गया, जियो शैडो फिटनेस। फहद भाई ने अभी थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, ये चेक करो फहद भाई की कटिंग निकलने लग गई है। अब तुम लोग बोलोगे यार इतनी ज्यादा कटिंग कैसे आ गई? बच्चों तुम्हारा भाई बचपन से मेहनत कर रहा है, ऐसे ही थोड़ी बॉडी बन गई। और ये बॉडी कोई जिम से नहीं बनी है, ये बॉडी बनी है एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट कराटे। तुम्हारा भाई बहुत बड़ी पंचायत है। आज तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा सोशल मीडिया स्टार होने का कितना फायदा होता है। और फिर मैंने की बॉडी बिल्डिंग वाली पोजिंग, चेक करो फहद भाई लग रहा ही नहीं लग रहा बॉडी बिल्डर, अभी तो पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता देखो होता है क्या। और जब मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके जिम से निकल रहा था तो मैंने देखा डाडूरे एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो भाई,
तो तुम लोग भी आओ शैडो फिटनेस में और अपनी बॉडी बनाओ सनी देओल सी जैसी। जियो शैडो फिटनेस, जियो शैडो फिटनेस, जियो शैडो फिटनेस, लेट्स गो। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हालत ही खराब हो गई आज तो। बॉडी वॉडी बना के भूख भी तो लगती है ना। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सारे व्लॉग देखता हूं, आज आप इत्तेफाक से। अरे रुको जरा, सबर करो, भूख लग रही है फात भाई को। अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूं ना वहां पे पीछे आना ऐसे भागते हुए। फात भाई सेल्फी सेल्फी, तो उनको ऐसा लगेगा मैं मशहूर बंदा हूं। हालांकि मैं बहुत मशहूर हूं, 1.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 रेस्टोरेंट है, 5 रेस्टोरेंट है, मगर कोई एक रेस्टोरेंट वाला भी अगर मुझे पहचान गया ना तो कुछ खाने को दे देगा। अल्लाह करे कोई रेस्टोरेंट वाला मुझे पहचान जाए और यहाँ पे बहुत सारे फैंस निकल जाएं कि मैं इनको बता सकूँ। वालेकुम अस्सलाम, फैंस आने लग गए हैं, समझ रहे हो, इन्हीं के बलबूते पे तो फात भाई इतना मुफ्ता मार रहा है। जियो फैंस, जियो आई लव यू हो गया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है? आज तो फात भाई फुल चौड़ापे में आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक ठाक है? मुझे ना एक हवाले से आपसे बात करनी है, एक प्रमोशन के हवाले से। और यहाँ पे मैंने इनको प्रमोशन के बारे में बताया और इन्होंने कुछ ये कहा। लेकिन इसके लिए बराबर में हमारे ओनर बैठे हैं, उनसे जाके बात कर लीजिए, वही कुछ कह सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर हम चले गए ओनर के पास। आप माशाल्लाह अजीम पकवान के ओनर? जी जनाब। अच्छा, मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। बात ये है कि, और दोबारा मैंने इनको प्रमोशन के बारे में बताया, अगर आप इजाजत देते हैं तो। इजाजत है? इतना जल्दी, मतलब कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, आप मुझे जानते हैं इसका मतलब। बोलो जियो फात भाई और बोलो जियो अजीम पकवान, जजाक अल्लाह। फिर हम अपने असली रूप में आ जाए, फोड़ दें सारी चीज़ें भाई। फुल मेन्यू मंगवाना है आज। अरे मैंने तो फुल मेन्यू मंगवाया था। और आ रहा है, और आ रहा है भाई, और आ रहा है। कहाँ नहीं जा रहा, साउथी ऐसी है ना। चेक करो, जिंगर बर्गर ब्रोस, फिर जिंगर बर्गर, ये पराठे पता नहीं क्यों दिए, कुछ और पंचायतें भी आ रही हैं। ये देखो यार सैंडविच कितने मजे का लग रहा है। जी अजीम पकवान जी, इतना सारा खाना मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा, इन गरीबों को थोड़ा सा खिला देता हूँ। चलो यार, चलो गरीबों खाओ, खाना ज्यादा बकवास नहीं कर, चलो शुरू करो। आराम से आराम से। चलो गाइस फोड़ना स्टार्ट करते हैं। जियो अजीम पकवान, दो जिंगर बर्गर, दो जिंगर रोल और ये कढ़ाई पार्सल, जल्दी से कराओ। अजीम पकवान पे पार्सल का भी खास इंतजाम है। जियो अजीम पकवान। यार वैसे तो मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं डाइटिंग पर हूँ। और खाना खाने के बाद हम चले गए शूज लेने। भाई एक और स्टोर मिला है तुम्हारे भाई को, स्टोर तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बंदा भी सामने बैठा हुआ है, चेक करते हैं मालूम करके क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सीन है, ठीक ठाक है, मजे में? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह आपके शूज़ वगैरह बड़े अच्छे हैं। आपके स्टोर का नाम क्या है ये? एतबार.pk। अगर आप मुझे एतबार.pk वाले अगर मुझे कोई अपना इनमें से अच्छा सा प्रोडक्ट अगर मुझे कोई देते हैं, ये जूता शूता टाइप, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी डालूँ, क्या आप तैयार हैं मतलब ये जूता देने के लिए? भाई आप हो कौन? अबे आप मुझे नहीं जानते, मैं 1.27 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा हूँ यार, आप मुझे नहीं जानते। आप सर्च करें, आप मोबाइल अभी चला रहे थे ना, खोले मेरा यूट्यूब चैनल सैयद फहद, लिखें सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर क्यों नहीं आपको पता यार मेरा। ये चेक कर रहे हैं कितने कितने व्यूज़ गए हैं, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये एतबार.pk मैं इसको मशहूर कर दूँ, तो मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन करूँगा। बस आपको करना ये होगा, आपको अपना कोई जूता जो बहुत महंगा और अच्छा हो। मुझे इनमें से बहुत सारे जूते तो पसंद आ रहे हैं, सोच रहा हूँ सारे ले लूँ। अगर आप मुझे चलें एक जूता भी दे देंगे ना, मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे और आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी मशहूरी कर दूंगा और बोलूंगा जियो एतबार। जियो एतबार जी, डन, करवा दें। मगर जूता मैं आपको अपनी मर्जी से दूंगा। नहीं, इसका मतलब आप मुझे सस्ता वाला जूता दे देंगे? आप जरा दूर रखें, आप तो आपने बोल दिया ना, आप तो प्रमोशन करूंगा मैं आपकी। कौन सा जूता उठाऊं, ये वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे, इतना हल्का क्यों है, क्या कुछ फ्री का जूता दे रहे हैं क्या? ये प्रीमियम क्वालिटी आर्टिकल है। बहुत सारे जूते वैसे मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये जॉर्डन कुछ मजे का नहीं लग रहा। जॉर्डन तुम्हारे भाई को नहीं पसंद, इसको रख दो, कोई और सा स्पोर्ट्स शूज देखते हैं। यार ये वाला जबरदस्त लग रहा है, ये वाला बाप है। अगर इसका कलर दूसरा होता ना,
फिर तो बहुत बेहतरीन हो जाता। आपको इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। बस सही है ना, एक ये वाला जूता डन कर देते, एक ये वाला जूता डन कर देते। आपने बोला था एक ही जूता। चलो एक ही ले लेते। भाई स्टोरी तो डालो। हाँ स्टोरी डालूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, भाग थोड़ी रहा हूँ मैं, तो चेक कर रहा हूँ थोड़ा उछल उछल के। जियो एतवार, फाइनली जूता तो हमने इनसे ले लिया, अब प्रमोशन करना तो बनती है ना यार, तो बोलो जियो एतवार। अब चलते हैं किसी और नेक्स्ट पंचायत पे। और यार मैं इसके बाद काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के पास गया था और गोल्ड शॉप पे भी किया था। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ।